एग्जिट पोल के बाद गोवा उत्तराखंड बीजेपी में सरगर्मी तेज। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम सावंत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भूपेंद्र यादव ने आयुष किट के वितरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, कहा गोलीबारी रुकते ही यूक्रेन से भारत लाए जाएंगे नवीन कश्यप। काउंटिंग से पहले होगा वीवीपैट वेरिफिकेशन, जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। विधायक ढुलू महतो का संगीन आरोप, जेल से कराई जा रही हत्या, मांग रहे रंगदारी। हजार भारतीय नागरिकों में से 16,000 को सरकार ने निकाला यूक्रेन बॉर्डर पर, अभी भी 3,000 नागरिक। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हंगरी से लौटा छात्रों का अंतिम जत्था, जताई खुशी। सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए लिया है बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने कहा। वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले भक्तों के लिए बेहद जरूरी खबर, बोर्ड ने जारी किया है अहम अलर्ट। भाजपा ने खोले बिहार एमएलसी चुनाव के लिए अपने पत्ते, औरंगाबाद से नए चेहरों को दिया टिकट। किसान नेता राकेश टिकैत को झटका, एग्जिट पोल में जमकर मिली भाजपा को सीटें। सीएनजी की गाड़ियों से सफर हुआ महंगा, आईजीएल ने किया कीमतों में इजाफा। मनोहर लाल के बजट में राहतों में तोहफों की झड़ी, सुषमा स्वराज पुरस्कार का ऐलान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मां वैष्णो देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। ममता बनर्जी का दावा, हो सकता है बड़ा हादसा, दूसरे विमान के कारण डगमगाया उनका विमान। अमेठी में चोरों के हौसले हुए बुलंद, दिन दहाड़े चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। अमेठी में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, युवती ने फांसी लगाकर समाप्त की जीवन लीला। अमेठी में कोठेदार से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस का किया घेराव। कन्नौज में भाई बना भाई का दुश्मन, भाई ने पैसे के विवाद में भाई पर चलाई गोली। ललितपुर में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में भ्रष्टाचार, पीड़ित खाता धारकों ने कार्रवाई की मांग की। मथुरा में रालोद नेता के खिलाफ गौ रक्षकों में आक्रोश, गोवर्धन चौराहे पर फूका पुतला।
अमेठी के एक स्कूल में लगी आग, विद्यालय में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, आग लगने से विद्यालय में मचा हड़कंप। देवरिया में इंडिया फैमिली मार्ट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का सामान जलकर हुआ राख, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। हमीरपुर में मोरंग माफियाओं का बोलबाला, नियमों को ताक पर रखकर माफिया कर रहे खनन, नदियों में दिन रात गरज रही भारी पोकलैंड मशीनें। लखनऊ में दिखी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फ्री रहेंगे स्मारक। रायबरेली में कलयुगी मां ने ममता को किया तार तार, बीएसएस पब्लिक स्कूल के पास शव मिलने से मचा हड़कंप, नवजात शिशु को नोच रहे थे कुत्ते। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, नारी सशक्त सबल और सुरक्षित रहे। अलीगढ़ में चाकुओं से गोद कर की गई युवती की हत्या, मौके से हमलावर हुए फरार। बांदा में ट्रेन से गिरकर हुई भाई बहन की मौत, रेलवे सुरक्षा कर्मी पहुंचा अस्पताल। बिजनौर में महिला के विवाद में युवक को मारी गोली, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फतेहपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में हुई चोरी, दुकान में सेंध लगाकर की गई चोरी। श्रावस्ती में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का आयोजन, घर घर जाकर खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा। देवरिया में पीड़ित ने फर्जी बैनामा कराने का लगाया आरोप, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा पीड़ित। एग्जिट पोल पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, हम पूरी मेहनत से लड़े, परिणाम का इंतजार। सम्राज्ञी लता मंगेशकर का अस्थि कलश वाराणसी में गंगा में वैदिक रीति रिवाजों के साथ विसर्जित। अखिलेश यादव का दावा, 300 से अधिक सीट जीतेगा समाजवादी पार्टी गठबंधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार बनने के प्रति आश्वस्त, बोले हमारे पक्ष में 6 चरण के रुझान। लखीमपुर में डिग्री कॉलेज के चौकीदार की हत्या, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। कानपुर देहात में पूर्व भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष की हत्या में दंपत्ति समेत 3 गिरफ्तार, अभिरक्षा में आया नाबालिग। हाथरस में मतगणना की तैयारी, हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को मिलेगी वोटों के बारे में ताजा जानकारी। सोनारपुरा में सिलेंडर फटने से लगी आग, हादसे में झुलसे लोगों को भेजा गया अस्पताल। शूटर वर्तिका सिंह की अर्जी सीजेएम ने की खारिज, 25 मार्च को हाजिर होने का आदेश।
यूपी में रोजगार सृजन की नई पहल, महिला उद्यमियों ने सीखे उत्तम गन्ना नर्सरी तैयार करने के गुण। गोरखपुर में बड़ा हादसा, इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट में उत्पादन ठप, पूर्वांचल में प्रभावित हो सकती है रसोई गैस की आपूर्ति। गोरखपुर में महिला मार्शल आर्ट योद्धाओं ने किया शौर्य प्रदर्शन, स्वयं सक्षम नारी के लिए मिशन लक्ष्मीबाई शुरू। हरिद्वार में मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाओं की खुलेआम बिक्री, ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने की कार्रवाई। हरिद्वार में नंदी महाराज को भक्तों ने पिलाया दूध, शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी। हरिद्वार में विजय जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध, मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की। सुल्तानपुर में अवैध खनन की शिकायत पर टीम ने मारा छापा, संयुक्त टीम ने चलाया छापामारी अभियान। मार्च को केदारनाथ रवाना होगा मंदिर समिति का अग्रिम दल, 6 मई को खुलेंगे धाम के कपाट। एग्जिट पोल के बाद विधायकों में तोड़फोड़ का अंदेशा, उत्तराखंड कांग्रेस ने बनाया राजस्थान प्लान। प्रहलाद जोशी का बयान, मतगणना के समय आंख कान नाक खुले रखे अभिकर्ता। दून में असम राइफल के जवान को मकान दिलाने का दिया झांसा, 7.25 लाख रुपए ठगे। भाखड़ा रेंज के जंगल में फंसा तेंदुआ, शिकारियों ने बिछाया था जाल, ट्रैंक्यूलाइजर कर चलाया गया अभियान। चीला नहर में डूबे दिल्ली के 2 युवक, ऋषिकेश घूमने आए थे 4 युवक। यूक्रेन के युद्ध में फंसे उत्तराखंड के 15 छात्र, अब तक 240 की हो चुकी है वापसी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लगाया सेना के मतपत्रों के दुरुपयोग का आरोप, पोस्टल बैलेट रद्द करने की मांग की गई। पोल्स ऑफ पोल में उत्तराखंड में दोबारा बन सकती है भाजपा की सरकार, मिल सकती है ज्यादा सीटें। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस। नई सरकार के गठन के बाद मिलेगी उत्तराखंड के 7.23 लाख लोगों को पेंशन। यूएनएससी में बोला भारत, सीमा में फंसे भारतीयों के लिए अभी तक नहीं बना सेफ पैसेज। तो यूक्रेन संकट में मध्यस्थता करना चाहती है चीन, कहा तनावपूर्ण स्थिति में भी जारी रहनी चाहिए बातचीत। भारत पर CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाना बेवकूफी होगा, रिश्ते सुधारे बाइडेन, अमेरिकी सांसद ने दिया यह बयान।
यूक्रेन का दावा। खार्कीव में रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार गिराया गया। सीरिया में आतंकियों ने किया सेना की बस पर हमला, 13 सैनिकों की गई जान। नवीन शेख रकपा का शव मिल लाने पर फंसा पेच, सीएम मुंबई बोले गोलाबारी रुकते ही बॉडी लाई जाएगी। कश्मीरी साइंटिस्ट की बड़ी उपलब्धि, एससीआरबी फेलोशिप पाने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी डॉक्टर नशीमन, बोली चीजें मुश्किल होंगी लेकिन हार न मानी। भारत के बीच कुछ ताकतों ने हमेशा तनाव पैदा करने की कोशिश की, ड्रैगन का इशारों में यूएस पर हमला। इंडोनेशिया पहुंचे 100 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम, लंबी यात्रा में बुरा हाल। पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए अब नई पॉलिसी अपनाएंगे इमरान खान। सऊदी अरब अप्रैल से बढ़ाएगा एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल का दाम, महंगाई पर होगा प्रतिकूल असर। रूस की चेतावनी, $300 पहुंचेगा क्रूड ऑयल, बंद कर देंगे यूरोप की गैस सप्लाई। चुनाव खत्म होते ही बढ़ गए सीएनजी के रेट, दिल्ली एनसीआर में बड़ा इजाफा, कई शहरों में भी बड़ी कीमतें। ऋतिक रोशन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने गाया बंगाली गाना, एक्टर बोले तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो। होली से पहले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खुशखबरी, आगे भी मिलती रहेगी पेंशन। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उछाल, बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इन और टेरा लूना में तेजी आई। माइक्रोसॉफ्ट का नया डेटा सेंटर हैदराबाद में बनेगा देश का सबसे बड़ा सेंटर, 2025 तक होगा तैयार। कंपनी के देशों में 4.46 लाख क्लाउड सर्टिफाइड एम्प्लॉयड। ऑफलाइन मिलेगा जियोफोन नेट नेक्स्ट, 300 से 600 रुपए की ईएमआई में खरीद पाएंगे फोन। FIIS ने फरवरी में 2210 रुपए प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेच डाले 15.64 लाख शेयर। सेंसेक्स 30 पॉइंट बढ़कर 52,880 पर, बैंकिंग शेयर्स बना रहे दबाव, तेजी में आया आईटी स्टॉक। सुनील गावस्कर ने शेन वॉर्न पर दिया अपने बयान पर खेद जताया, कहा था वो नहीं है महान स्पिनर। भारतीय क्रिकेटर राहुल जौहर, फैशन डिजाइनर ईशानी जौहर संग लेंगे साथ फेरे। बेंगलुरु में होगा डे नाइट टेस्ट, रोहित की कप्तानी में भारत की नजर, लगातार 5वीं क्लीन स्वीप सीरीज जीतने पर। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 9 विकेट से दी शिकस्त।
बेंगलुरु टेस्ट के लिए कुलदीप यादव को टीम से किया गया बाहर और दूसरे खिलाड़ी को मिली एंट्री। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 1,00,000 लोगों की मौजूदगी में शेन वॉर्न को दी जाएगी अंतिम विदाई। जिम्बाब्वे को मिला नया कप्तान, लालचंद राजपूत बने रहेंगे हेड कोच, क्लूजनर सपोर्ट स्टाफ से जुड़े। शिखर धवन, युजवेंद्र चहल की एनसीए में मस्ती, बाबूजी जरा धीरे चलो गाने पर जमकर लगाए ठुके। बीसीसीआई अधिकारी का दावा, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से पहले पिच क्यूरेटर से किसी ने की बात नहीं। प्रवीण तांबे पर बनेगी बायोपिक, लीड रोल में रहेंगे इकबाल के एक्टर श्रेयस तलपड़े। दी कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का खुलासा, कपिल शर्मा ने फिल्म प्रमोशन से किया इनकार। बच्चन पांडे का नया गाना सारे बोलो बेवफा रिलीज होते ही छाया, चंद घंटों में मिले मिलियन व्यूज। माधुरी दीक्षित ने शाहरुख खान सलमान की बताई खूबियां, अक्षय कुमार के लिए कही अनोखी बात। ग्लोबल डेब्यू के लिए तैयार है आलिया भट्ट, वंडर वुमेन संग हार्ट ऑफ स्टोन में आएंगी नजर। सुहाना खान ने शेयर की मन्नत की झलक, डॉगी संग दीदी के कमरे में चिल करते नजर आए अबराम। आदित्य नारायण ने छोड़ा सारेगामा पा का साथ, 15 सालों बाद शो से हुए अलग तो विशाल ददलानी ने दिया बड़ा बयान। विमेंस डे पर रानी चटर्जी ने लिखा महिलाओं के लिए पोस्ट, कहा औरतें मुसीबतों से नहीं भागती। रुद्र में अजय देवगन की पत्नी के रोल में दिखी ऐशा देओल ने कहा बॉलीवुड अब पहले जैसा नहीं रहा। मिलिंद काबत जल्द करने जा रहे हैं शादी, पंजाबी और जाट रीति रिवाजों के साथ होगी शादी। आईफा के 22वें सीजन का आयोजन 20-21 मई को अबुधाबी में होगा, सलमान खान करेंगे होस्ट, वरुण धवन की होगी स्पेशल परफॉर्मेंस। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।